गरीब ब्राह्मण के यही पैदा हुआ था। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे हाथ में भीख का कटोरा ही था। पिता ने जब भी मैं 5 साल का हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भिक्षा पात्र है, गांव में घूमना है और भिक्षा प्राप्त करनी है, ब्राह्मणों का घर में भिक्षा प्राप्त करना है। और भिक्षा मैंने मांगी। वो कह रहा कि ब्राह्मण को भिक्षा से कोई एकदम शर्मानी भी नहीं चाहिए। मगर 2-4 दिन बाद मैंने सोचा कि ये मेरा धर्म है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं पिता जी साफ कहते मैं भीख नहीं मांग पाऊंगा, भुगत मर सकूंगा, मेरे जीवन का हेतु सोपान ये है नहीं। मेरे पूर्वजों ने मांगी तो मांगी, ब्राह्मण का धर्म भीख मांगना भिक्षा मांगना तो धर्म है, पर मेरा धर्म ये नहीं है, इस ढंग से मैं जीवन जी नहीं पाऊंगा। वह मेरा एक विद्रोही स्वभाव था, मुझे स्वभाव आज तक है वो एक अलग बात, मगर उस जगह से शुरू किया। और जब पहली बार उसमें साइकिल 15 रुपए में मिलती थी और मैंने पूरे नौकरी लगने के बाद साल भर के बाद एक सेकंड हैंड साइकिल भी खरीद नहीं पाया, नई साइकिल तो बहुत अलग बात है, 8 रुपए में सेकंड हैंड साइकिल मिल रही थी और मैं नौकरी कर रहा था, उसमें तनख्वाह मिलती थी मुझे 15 रुपए और मैं साइकिल नहीं खरीद पाया। और एक मिलिट्री का एक आदमी था, उसका ट्रांसफर हो गई, तो उसने कहा कि मैं साइकिल बेच रहा हूं 8 रुपए में, आप ले लें। और मैंने चारों तरफ हाथ पैर दौड़ाए, 8 रुपए भी मेरे पास थे नहीं। और जो मकान मालिक था उसने मना कर दिया कि मैं आपको 8 रुपए उधार दे नहीं सकता, आप देंगे कहां से, उसमें 1 रुपए की वैल्यू थी, 2 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू थी। उनके पिताजी थे वो सीधे साधे थे, जोधपुर के थे, उनका कि मैं मास्टर आपको 8 रुपए देता हूँ, आप साइकिल खरीदिए। और तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि सेकंड एडिशन साइकिल खरीदी, उस दिन मैं 100 किलोमीटर ये घूमता आया, इतना जैसे कोई हवाई जहाज मिल रही है, बहुत तेजी साथ घूमा था, मेरे पास 100 मील का चक्कर लगाया साइकिल पे बैठ करके कि आज मेरे पास साइकिल है। अब अगर सैलो गाड़ी भी और टाटा गाड़ी है तो कोई इच्छा ही नहीं होती उसमें बैठने, ठीक है तो है, नहीं है तो है, हवाई जहाज में यात्रा कर चुके तो ठीक, बैठ गए नहीं बैठ गए, मगर जीवन मान से शुरू हुआ। तो आपसे ज्यादा विपन्न अवस्था में जिंदगी शुरू की। जब नौकरी पे इंटरव्यू के लिए गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अपनी पत्नी के पाजी बेच करके गया था। और पत्नी को स्त्री को बहुत मोह होता है अपने गहनों से, वो सबको दे सकती है वो गहने नहीं दे पाती। और मेरे पास उसमें 5 आने का मतलब हुआ करीब 35 पैसे, 35 पैसे मेरे पास थे नहीं, पर कोई उधार देने वाला नहीं था 35 पैसे, और यहां से जालौर का किराया 35 पैसे था। तो रात्रि को मैंने पत्नी को कहा मुझे 35 पैसे चाहिए, कम से कम मैं पहुंच जाऊं, ड्यूटी पर पहुंच जाऊं, उसके बाद तनख्वाह मिल जाएगी। उसमें तनख्वाह 10-15 का डेट था, 10 रुपये तनख्वाह मिलती थी उसमें, और साल में 1 रुपये इंक्रीमेंट था। तो उसने बड़ी आनाकानी भी की, मैंने समझाया भी, कन्विंस किया नौकरी में जीवन चलेगा नहीं, अगर यही भविष्य बिता है तो ठीक है नौकरी करेंगे। और 8 ही पास करके नौकरी करते थे उसमें, बोर्ड का एग्जाम होता था 8। उस जगह से मेरा जीवन शुरू हुआ है, भिक्षा पात्र से, और 35 पैसों के लिए गिड़गिड़ाते हुए। और उसके बाद जो कुछ संपन्नता प्राप्त की वह संपन्नता मंत्रों के माध्यम से प्राप्त की, क्योंकि मुझे भवितव्य पिता का ज्ञान हो गया था कि आने वाला टाइम मेरा ऐसा है। उस जब मैं सन्यासी लिया तब मैंने इस ज्ञान को पहले प्राप्त किया कि मैं क्या था, कहां से मेरी धागा शुरू हुआ, कहां से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ, कितने जन्म मैंने लिए और आगे मुझे कितने जन्म लेने हैं, क्या इस जीवन में सिद्धाश्रम प्राप्ति होगी, क्या मैं जीवन में पैसों के लिए संपन्न हो पाऊंगा, क्या ऐसी गरीबी मेरे साथ जुड़ी रहेगी जो मेरे साथ पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। ये सारे प्रश्न मुझे उथल पुथल करके मैं अपने जीवन का इतिहास आपके सामने रख रहा हूं। इसे आपकी जो मजबूरियां हैं उससे ज्यादा मजबूरियां मेरे पास थी, उससे ज्यादा कठिनाइयां चुनौतियां मेरे पास थी, उससे ज्यादा दुख झेला मैंने, उससे ज्यादा भूख सहन की है, 4-4 दिन खाना नहीं खा पाए, इसलिए खाने पाए पास पैसा ही नहीं था और उधार भी मांगता नहीं था और पत्नी को मांगने देता नहीं था पड़ोसी से आटा उधार देने। 4-4 दिन तो उनको मैंने कहा तो पड़ोसी से एक दिन वो आटा किला, यहाँ पर जोधपुर में यहाँ पर मकान है वो आप जा देखें, तो केवल 5x8 की कोठड़ी है जिसमें 2 साल रहा जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस समय की बात कर। और एक दिन वो आटा उधार ले गए, एक दिन भूखे रह गए, तो
जब मुझे मालूम पड़ा कि आटा पड़ोसी से उधार लेके आई है, तो मसला हुआ आटा, गूंथा हुआ आटा उठा के बाहर नाले में फेंक दिया। मैंने कहा कि उधार ला के मैं रोटी नहीं खाऊंगा, न खाने दूंगा तुम्हें, अगर भूखे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, भगवान ऐसे लिखा तो ये कर दूंगा, मगर इस प्रकार से उधार तुम आज ना कल दाल मांगोगी उधार, परसों मिर्च मांगोगी, नमक मांगोगी, मैं ऐसे जीवन नहीं चाहता हूँ, जीवन में ऐसा होने ही नहीं दूंगा। उस रात को भूखे सोए, 27 तारीख को भूखे सोए, 28 तारीख को भूखे सोए, 29, 30 और 1 तारीख को तुमको मिली। वो दिन भी मुझे याद है क्योंकि 1 तारीख 1 जनवरी नया साल था। ऐसी नहीं आप इतना भी मजबूर हैं, उतना मेरे जितना आपने कठिनाई और चुनौती नहीं झेली होगी। उस जगह से मैं शुरू हुआ, कोई चांदी का चम्मच मेरे मुंह में नहीं था, आपकी जैसी आर्थिक अभाव समस्या कठिनाइयां देखी। और जब आज मैं कह रहा हूं कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए, तो ये भी मैं कह रहा हूं कि आपकी मजबूरियां हैं, मगर उस मजबूरी से तो बहुत कम मजबूरी आपके जीवन की।